कांग्रेस की ओर से कैंट विधानसभा सीट से पूर्व सांसद राजेश मिश्रा को टिकट दिए जाने से आक्रोशित पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला दहन किया। वाराणसी के कैंट विधानसभा में कांग्रेस ने पूर्व सांसद राजेश मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। इस बात का पार्टी के कुछ कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। इस बात से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया, साथ ही विरोध स्वरूप राजेश मिश्रा का पुतला दहन किया। पुतला दहन कर रहे कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार बदलने की मांग की। आज हम लोगों ने यहाँ पर कैंट विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं राजेश मिश्रा जी का, हमने उनका पुतला फूका है। लोगों में काफ़ी रोष है और यहाँ सारे ललपुरा में आप देख सकते हैं कितने बड़े संख्या में लोग आए हैं और इनका विरोध कर रहे हैं। ये हर बार अलग विधानसभा से लड़ते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो अभी इनका तय नहीं हो पाते करेंगे क्या। हमें लग रहा है कुछ दिनों सभासद भी नहीं लड़ेंगे, तो फिलहाल में हमने उनका विरोध कर रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि सर्वे हम करेंगे, सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, तो हमें उनसे पूछना है कि किस सर्वे के आधार पर राजेश मिश्रा को यहाँ टिकट दिया गया है। हमें कांग्रेस पार्टी बताए किस आधार पर टिकट दिया गया है, क्या वजह पुतला फूकने की। पुतला फूकने का वजह यही है हम लोगों का कि हम युवा की मांग कर रहे थे, कोई युवा आएगा और जिस तरह से हमें कैंट विधानसभा में हमें थोपा गया ऐसे व्यक्ति को जो युवा बिल्कुल भी इस बार पसंद नहीं कर रही है और कोई भी पसंद करने को तैयार नहीं है।